के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वो लगातार विरोधी दलों पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। दरअसल मोतिहारी में दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो नौकरी देने की बातें करता है वह खुद नौवीं फेल है। अगर पिता की रहमोकरम पर नहीं रहती तो चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी। और इसके साथ दिलीप जायसवाल ने कहा कि अपनी राजनीति करते हैं और बात करते हैं नौकरी देने की। जिस मुख्यमंत्री के घर से अपराध और अपहरण का रोजगार चलता था वो युवाओं को रोजगार देने की बात करता है। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि विपक्ष अफवाह फैलाता है, क्योंकि आज सदन में ओबीसी दलित महादलित सांसद अगर किसी पार्टी में है तो वो है बीजेपी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी से आते हैं और भगवान ने उन्हें धरती पर इन सबके उत्थान के लिए ही भेजा है। उन्होंने और क्या कुछ कहा सुनिए। अगर वो लालू जी का बेटा नहीं होता तो लम्मा फेल, वो चपरासी में भी नौकरी नहीं मिलता। अरे धर्म मनाओ बाप का, कि बाप के नाम पर राजनीति चल रही है। राधा मोहन सिंह जी, या हमारे जितने विधायक बैठे हैं, अपने कर्म के बल पर आज सातवां बार इस लोकसभा में चुनाव जीते। जिस मुख्यमंत्री के घर से अपराध का रोजगार चलता था, अपहरण का रोजगार चलता था, आज वो दूसरे को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष बना तो कुछ लोग बड़ा खुश हुआ कि बड़ा सीधा साधा आदमी जो है प्रदेश अध्यक्ष बन गया। कार्यकर्ताओं का सम्मान तो मैं पहले दिन बोल दिया कि वो सम्मान पुराने से पुराने कार्यकर्ता और नए लोगों को जोड़ना मेरा लक्ष्य होगा। कि हम अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता, अनुसूचित जनजाति के कार्यकर्ता सबसे ज्यादा सांसद और विधायक अभी देश में है तो भारतीय जनता पार्टी का। और इसलिए जो भी ये हमारे विषय में झूठ का दुकान हो रहे हैं, झूठ का दुकान जाने नहीं चलेगा। और प्रधानमंत्री जो स्वयं अति पिछड़ा है, जो दलितों पीड़ितों के उपचार के लिए ही धरती पर आया है, इस धरती पर भगवान ने उसको इसीलिए भेजा है कि जो अनुसूचित जाति है जनजाति है पिछड़े हैं, मुट्ठी भर लोगों के पास जो सुविधाएं हैं उनको उन गलियों और पिछड़ों तक पहुंचाने के लिए ही मोदी को, नरेंद्र मोदी को इस वक्त हिंदुस्तान की धरती पर भेजा है।